हेलो दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों अभी हम लोग नोएडा में हैं, एक जगह है तो रूम थोड़ा सा पसंद नहीं आ रहा है, तो ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ एक लड़के ने बुलाया है रूम के लिए। वो बोल रहा था 5000 रुपये का रूम है, किचन बाथरूम लेटरिन सब सेपरेट है, हॉल टाइप है। वो उसका 5000 रुपये रेंट है, तो देखते हैं अगर वहाँ सही लगता है तो हम लोग 3-4 लोग हैं उसको हायर करेंगे। तो ये अभी फिलहाल मैं इस जगह रह रहा हूँ, यहाँ पर भी किचन अलग है, ये किचन रहा। तो दोस्तों चलिए मैं वीडियो आपको दिखाता रहूँगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ भी हम लोग मेन रोड पे आ गए हैं, अभी हम लोग आ गए हैं रूम देखने के लिए। बुलाया है इन लोगों ने, हम लोग देखते हैं रूम कैसा है। सेपरेट वो बता रहे हैं, 3000 किराया बता रहे हैं। मेंटेन नहीं है क्या? मेंटेन नहीं है अभी, पूरा तैयार नहीं है अभी। तो किराया कितना है? इसके अलावा कोई और रूम सिस्टम? ऐसे ही सब रूम है कि इससे कुछ अलग रूम है? नहीं है तो इसी टाइप के, पर कुछ कुछ अलग है, जैसे इसमें अलमारी दी गई है, बाकी में अलमारी नहीं दी है। इधर और अभी हाल फिलहाल में कोई खाली होने वाला है? बारिश से क्या सिस्टर? नहीं, हम लोग कंपनी में जॉब करते हैं तो 3-4 बंदे। हाँ हाँ हम लोग रूम देख कर आए, 3000 बताया है, अभी विचार करेंगे आपस में तो बताएंगे लोग। अभी दोस्तों वहाँ रूम देखने के बाद हम लोग इस बिल्डिंग में देखेंगे, यहाँ तो ऐसे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, तो यहाँ पर देखेंगे अभी दोस्तों, फिर दिखाते हैं वीडियो आप लोगों को, वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं रूम को देखते हैं, 11 नंबर रूम बोले हैं।
खास नहीं है, यहाँ भी सेपरेट है, इधर तो रूम। दोस्तों आपके हिसाब से कैसा कमेंट में बताना, लेकिन हम लोगों के हिसाब से रूम बहुत बेकार है। इस सामने वाली बिल्डिंग यहाँ रूम कोई खाली नहीं है, तो कहीं और देखते हैं दोस्तों रूम। दोस्तों अभी हम लोग इस बिल्डिंग में देखना है कमरा। इस बिल्डिंग का किराया, कमरे का किराया 3500 है। देखते हैं, सेपरेट है, देखते हैं पसंद आता है तो फिर आपको बताते हैं। बोले थे अभी नया बना है, अभी काम चल रहा है। बाहर का नजारा यहाँ से बिल्डिंग। ये वाला खाली है, ये खाली। जस्ट रूम देखकर जितने भी रूम देखे हमने, हमने पूरा दिखाया आपको, तो आप भी हमको सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा रूम लेना चाहिए। वैसे दोस्तों केवल दो रूम हम लोग को पसंद आए थे, जहाँ रहने लायक हम लोग सोच सकते हैं यहाँ रहा जा सकता है, तो वहाँ सभी हम लोग वहीं रहेंगे जहाँ सबको पसंद रहेगा। हालांकि अभी दो लोग और देखेंगे रूम। एक 3000 था, एक जहाँ एक लड़की दिखा रही थी वहाँ ठीक ठाक था, पानी की व्यवस्था मतलब हर एक व्यवस्था थी, और एक जगह जहाँ हमने आपको बिल्डिंग पे दिखाया था सबसे ऊपर ले जाकर, वहाँ भी अच्छा था, माहौल अच्छा था, शांत था, तो वहाँ पढ़ाई भी हो सकती है। तो ये दो रूम हम लोगों को जमा अच्छा लगा, तो यहाँ हम लोग विचार बना सकते थे। और रेट दोस्तों इन लोगों का 3500 था और एक 4000 का था, तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं हमको कौन सा रूम लेना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो यही थी, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों।